पानी उस पर कभी लखने वाला नहीं है महाराज। पानी के ऊपर है, पानी में है, लेकिन उस पर पानी कभी रुकने वाला, ये लक्ष्मी जी का आसन है महाराज। और लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हैं और भगवान हमारे विष्णु भगवान आसन पर विराजमान हैं। आप विष्णु भगवान के पैर लक्ष्मी मैया दबावत रही, कथा यहीं से प्रारंभ होता। और बड़ा ध्यान से कथा के सुनब रहा कि लक्ष्मी जी केकरा घर में कृपा कर ली, केकरा घर में ना होला। बहुत लोग ही कहला कि ये महाराज कूड़ा कर कर सुनहला, बड़ा ऐल मैल लहला, जो लक्ष्मी के पास होला। लेकिन महाराज लक्ष्मी तो उतना सफाई सोचती है कि लक्ष्मी बड़ा और स्वच्छ जगह पर रहने वाली है महाराज। बताए ना, फूल पर कभी पानी नहीं रुकता है, तो जहां पानी नहीं रुकेगा वहां कीचड़ कैसे रुकेगा महाराज। और लक्ष्मी की कृपा यहीं से हम प्रारंभ कर रहे हैं कथा को, बड़ा गौर से सुनिएगा। आसन पर हमारा विष्णु भगवान, बोलो विष्णु भगवान की। आसन पर बैठल बनी लक्ष्मी महारानी, पैर पकड़ के विष्णु भगवान से निवेदन करी कि नाथ, अरे राउर कृपा बागी राउर अर्धांगनी, हम लक्ष्मी हैं, संसार हमके पूजेला, केकरा चलते तरौरा चलते। अगर पति लायक माना तो औरत के कहीं भी मर्यादा बनी, बनी ना बनी। जेकर मर्द गौवा में खूब जाना था, माना था, खूब खियावा था, खूब ओढ़ावा था, पहिरावा था, खूब प्रचंड बनौले बा, ओकरे आदर गांव भर कर। हाँ तो बाबू एकर मोर दे, एकर मोर दे। हमारा बलेसर भी यादव जी विराह में गौले रहे कि माता वही मर जाए जो नान्हे दूध छोड़ावे, अब पिता वही मर जाए जो विद्या नाम पढ़ावे, बेटा वही मर जाए जो बाप के नाम गवावे, अब बेटी वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, बैल वही मर जाए जो ज्योति के नाई हंगावे, अब भैंस वही मर जाए जो दूहत टांग उठावे, बोलत नाम मुसुकाई मरे मोटूअर नारी। मालिक कहले खेते में से एक अंटा धान लेके दोपहर भइल बा, कहत ना पानी ले बा, पियास लागल बा, तो वो कहत रही नल लाई लेव, कहता का तोहारा मर्द कर्जा गदगद हो गल। वीरेंद्र बाबा कहले ऐसा मेहरारू फौर पर बिना मेहरी के रह ठीक, लेकिन थो बढ़िया गोबरैया का हम कही होता कि हमके नगरिया अपन विचार सुधरिया। हमारे यहाँ बाड़ी एगो मेहरारू का नाव धरी, रोज करंट छुएल सेल्फास खाले मुंह ले कहियो ना एजू के बा कि ना रिहर्सल करे के चाहे। मेहरारू कौन की पथले के पूजा या मर्दे के भूजो गड़गड़ा जाइए एकदम कथवा सुनन। अच्छा एक बात बताइएगा, हे मैं अपने मर्दे के गोड़ के सुबेरे लागेला जे लागत हो कते उठाओ अथवा उठा ला धीरे से, जे लागत हो ते उठाई ला, सब जनना उठा दिया लोग सुबेरवा मर्दो बाळ तो तकते बाळ के हो। एक दो तीन जने बालो, चार जने, चार पांच जने बालो। अच्छा अपना मालिक क्यों मरलो हो बाबू, जे मरले हो कते उठावे तो पावर कौन में ढेर गा दूध में दारू में दुई घंटा खातिर बा हिलावा मत सुबेरवा परवा नहीं चढ़ल आ दूध पी के सुत। दारू पिए वाला आदमी सुबेरवा चिन्हा जाए कि भाई आप तैयारी जा रहा आ दूध पिए वाला पचान नहीं आ जाएगा हमारा। कोनो लड़का के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बाबा बड़ा पापड़ बेलब तब इंगेज हो, चोर बदमाश बनाओगे तो शिक्षक थमा दे कह दे चौराहा पर दूर ठोक दे बियर बमचम मच जाए कि फलाना का लड़का बदमाश हो गए। चार नदिया दही ले लो है, अब बड़का गाँव सिंहपुर से रास्ता धो रहे पड़े है पड़े बेचा चलिए है सिकटा उटा सब पिपरा जा घूम के चलिए अपना गांव पर चलिए। भगवान लिखले तबे ओकर दही बिकाई, कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरियर के, कोनो कोई बसात आ सौ बोतल दारू लेके धान में बैठ तो ओकर गहकी बाड़ नहीं है जी। रामनगर में तो नहीं है के छुवत है का हो ये सिखत बाप हो बाप।
मान लो गेहू जुबा। हम निवेदन करेंगे जो भी लोग यहाँ आए हैं, जो भी हमारी बेटियां बहन माताएं बैठी हैं, पति का सम्मान कैसे होना चाहिए जैसे लक्ष्मी जी अपने पति का सम्मान कर रही हैं और हमारे विष्णु भगवान अपने आसन पर बैठे हैं। कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। लक्ष्मी जी कली नाथ हमरौदा से एगो प्रश्न करतनी। कहले का कली हमार खास बहिन तक के बाना, अरे पानी से प्रकट भइल बानी हम, कमल पानी में से प्रकट भइल बानी या कमल पर हमारा आसन बा, तरौरा से एगो हमार निवेदन बा। गोड़वा पकड़ के मेहरारून के दिल के बात कहे खोला तो कब कहेली, जब तनिक तेल कपारे पर धरी है तो कहीं बात कही वही टाइम पर कहेली। लक्ष्मी जी कहते, अरे लक्ष्मी धीरे धीरे बालम चरण दबावे लगली आ दबावे लगली साजन से बतियावे। अरे सैया मानी बतिया मोर जियरा लागल बा बेजोर, सैया मानी बतिया मोर जियरा लागल बा बेजोर, प्रेम के भाषा देखा सजना से बतलावे लगली बतावे लगली साजन से बतियावे लगली। कथा शुरू हो गई, पहला कड़ी चल देने बा। लक्ष्मी जी अपना पति के पैर दबावत अड़ी वही टाइम में कली की नाथ हमरौरा से वो निवेदन करतनी। विष्णु भगवान कले बोलो देवी तोहार का निवेदन बा। लक्ष्मी जी कली हमार खास बहिन तक के हुआना, लेकिन माया के बहिन एक जने के बनौले बानी उनसे हम भेंट कल चाहतनी। कहले के बनौले बड़ू, कली की जेकर नाम पार्वती है। पार्वती केकर मेहरारू हई केकर हो तारा गांव में सी चर्चा होला कि ना कबो ना होला कैसा गांव बनी है कहती है कबो ना होला होला। अरे कैसा गांव रही जहां सी शंकर जी के अथी ना हो। अच्छा बताई है रामायण हमारे लगे बा, सूरज भैया तू ना बताइयो, साधु बाबा आपको ना बोलो भाई, जौन रामायण के पोथी हमरा लगे भाई बा के केहू बता सकेला कि एकर रचना के कैले बा? तुलसीदास। रामायण के रचले बा केहू बता सकेला? वाल्मीकि जी। हाँ तुलसी जी है ना, तुलसी रामायण लिखने वाले व्यक्ति का नाम है। तुलसी रामायण लिखे हैं। तुलसी रामायण कब लिखले? तो भगवान के जन्म हो गए तब लिखले। वाल्मीकि रामायण लिखे वाले व्यक्ति का नाम है। वाल्मीकि रामायण कब लिखले? तो भगवान के जन्म के पहले। रचना हमरा शंकर जी कैले बना, शिव चर्चा वाले गौर करेंगे। की रचि महेश निज मानस राखा अपाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस के रचना हमरा शंकर जी कैले बने। बोलो शंकर भगवान की। लक्ष्मी जी कैसे भेंट करे कहतड़ी? पार्वती से। शंकर जी की औरत के नाम पार्वती है। एक बात सुनी, शंकर जी की औरत के नाम दुर्गा, शंकर की औरत के नाम पार्वती, शंकर की औरत के नाम सती, शंकर की औरत के नाम अंबिका, शंकर की औरत के नाम गिरिजा। भैया और लक्ष्मी दुर्गा पूजा रूरा मनाई गई कि केकर मेहरारू है? शंकर। बोलो शंकर भगवान की।
लक्ष्मी जी कलीनाथ हमरवरा से यही इच्छा हमार लागल बा। एक तो हमार खास केहू बहिन नहीं बा, पानी में से प्रकट बानी हम। ठीक बार उरा से शादी भइल बा, लेकिन हमार निवेदन यह बा कि तनी हम चल के पार्वती के अपन बहिन बना के तनी अपन दीदार करती। हमरो यहाँ आयल गए उनसे तनी शुरू हो जाई। विष्णु भगवान जब सुनल तो हंसे लगल कर लक्ष्मी जी कली रहो हंसत कहे वाली। विष्णु भगवान कहे देखबू तू औरत हो, तिरिया चरित्र दैबो न, ओहू में तोहार नाम लक्ष्मी है, सोना चांदी रुपया खजाना पैसा सब तो ही देलू, तोहरे जर से सब दुनिया बा संसार बा। इतनी परी बताई आपन जमाना खराब बा, अरे बाजार में चल जाई पॉकेट में पैसा न होके तो जे चिन्ह तो लगे आई आई जी नहीं आई का हो आई नहीं आई नहीं आई आ 5 लाख रुपया ले लो बालेश्वर चौराहा पर चल जा, जो नहीं चिन्ह तो कही है मामा गोड़ लागा तानी, ए फूफा प्रणाम, ए जीजा गोड़ लागा तानी, ए मौसा गोड़ लागा, मार चाहा चाहा गोड़ लागा, के गोड़ लागा था देहिया के रुपया वा के नहीं बोलेंगे। रुपया को प्रणाम कर रहा है महाराज, लेकिन रुपया कुछ हो सकता है, सब कुछ रुपया नहीं है, मानेंगे इसको? रुपया कुछ हो सकता है, सब कुछ रुपया मत मानिएगा। 5 करोड़ रुपया ले ला कोनो मरीज के बचाव के बाद पीजीआई चल जा, बच जाई बचेगा? इनकी कृपा होनी चाहिए महाराज, लक्ष्मी का कृपा जिनके वहां होना है। हम कांटा बोल रहे हैं, कथा को ध्यान दीजिएगा। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, रुपया पैसा में एक चीज छिपा था का, अगर अरबों खरबों रुपया बा ना तो राउर लड़का तने धींद नहीं कहीं को दिया ना, तो वो में लोग डोरन के कहीं बतिया ही ना, बतिया बुझाता ना, जिकर घर ढेर पैसा रुपया बा कर लड़का तने कोनो बौरो कार को दी ना तो लोग कहीं कहीं कहिए मत रे हमनिया मरिया पर कहीं छिपो तक नहीं बुराई उसमें छिपता है, लेकिन इनके दरबार में कभी बुराई नहीं छिपेगा। लक्ष्मी के दरबार में कभी बुराई छिपने वाला नहीं है। आप चाहे जहां भी जो कर लो, उनकी कृपा हो तो महाराज एक गो लड़का बीमार हो कई लाख रुपया वही में लग जाए। लक्ष्मी तो वही है, उन्हीं की कथा हो रही है, और बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नमदाने के पानी केहू पिए, कहलत केहू पी, पड़ोहा का पानी केहू पी हो, टॉयलेट का पानी केहू पी, आई सजी पानी बहुत बहुत जाके गंगा जी में गिरे तो का ना धारा था, डिबो में भर के का ले आवल जाला केहू नहीं जानता। नहर के पानी को पानी कहेंगे, पड़ोहा के पानी को पानी कहेंगे, नाद का पानी कहेंगे, ए ट्यूबवेल का पानी कहेंगे, फिल्टर को पानी कहेंगे, लेकिन जो और गंगा जी में से भर के आवला ओकर नाव धरला गंगा जल ए बाप, मुँहों के बेरिया दो बूंद पानी मुँह में डालल जाला। आपके शरीर से जितना भी बुराई हुआ है, बड़ा गौर से सुनेंगे हमारे भैया लोग, जितना भी बुरा कर्म किए हैं आप, मानस में लिखे हैं कि सन्मुख हो जीव मोहे जब ही, और जन्म कोट या घनास ही वही, जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है जब व्यक्ति भगवान के समीप पहुंचता है। आप लोग कथा के पंडाल में पहुंचे हैं, और कथा में वीरेंद्र बाबा क्या कह रहे हैं इसे जानने का प्रयास करिएगा। बोलो लक्ष्मी महारानी की। विष्णु भगवान कहले आगे बोला, तू कहल का चाहत अड़ू, कहली हमारी है ललसा लागल बा, कबो के उसे भेंट ना कहनी, हम चाहतनी तनी पार्वती के लग जाइए, तनी अखबारी मिला के हम अपने को बहिन बना ली। विष्णु भगवान कहले एक बात कान खोल के सुना, तुहार नाम डायरेक्ट लक्ष्मी है, जेकरा घर में बसे ओकर घर जग जगा जाला, आ जेकरा घर से हटे ओकर घर अन्हार हो जाला। जेकरा लगे तनी परबा है बाबू, एगो नहीं चार गो साड़ी पहिरता, आ जेकरा एके गो बा उहे फीचता उहे गारता उहे पहिरता, जेकरा नहीं बा एगो कटरन छाके मड़ई में गुजर करता, आ जेकरा यहाँ तू बसल बाड़ू तोहरा टीवी पंखा लागल बा उ बिजली के जोरे सुता था। विष्णु भगवान कहले लक्ष्मी जात तो बारू, लेकिन एक बात सुन लो, तोहरी अंदर कूट कूट के अभिमान है, कूट कूट के अभिमान है, औरत हमरे हो, लेकिन तोके समझा दे तनी केहू के घरे जाइ है तो तनी घमंडई बात मत करी है।
अरे धनवा जकर लगबा वही के घमंड में रही जकर नाही बकरा अब तुलसी बाबा लिखले बने की प्रभुता पाई काई मद संसार में केहू पैदा नहीं बा जकरा धन हो जा रुपया हो जा बेटा हो जा नौकरी चाकरी न हो जा ओकरा छैले फक हे तर न चल हे में जकर मर्द कमाता ओकरा झरले ओकरा ओकरा चमकौले आ रहा है जकर नहीं कमाता उतने में हां चलो जकर बेटा कमाता रुपया पैसा वाला बा ओकरे बतियोले आ रहे के भले बुरबक रला चौराहा पर उधार दुनिया की रुकात नहीं ध्यान से सुनिएगा कहले की जा तड़ू कोली हां जा तनी हो विष्णु भगवान कहले जा तबाड़ू लेकिन कान खोल के सुन ला उनका मड़ई के घर बा शंकर जी के कोठा मारी नहीं है कौन के घर बा मड़ई में रहेली चंदा मामा सोझे लौके ले रातो दिन भांग पिए ले उ का जानी घरे हुई है कि ना हुई है लेकिन पार्वती तक घरे हुई है जइबो करी है तो इज्जत से जई है आसन ली है और प्रेम से बैठी है तू आशीर्वाद दे के उनका घर से लेकिन जे लक्ष्मी हो ओकर झोंक काहे रोका था चलल बड़ी है बाबू आ चलल बड़ी है शंकर भगवान के एहू झोपड़िया खातिर पार्वती बड़ा तपस्या करी हो कि दिया बजा दिया हो जाके जंगल में पतई जबईबू लक्ष्मी जी जौना बहिन से मिले जाते उनके ही दशा बा जाके जंगल में तपस्या करी तो बउरहू कपौली अरे जाके जंगल में पतई चबैलू आ जेकरा खातिर तपस्या तू कैलू जाके जंगल में पतई चबैलू जेकरा खातिर तपस्या तू कैलू गौरा अरे गौरा गरवा में सोभे जगरवा देखत लागे डरवाए चबैलू जेकरा खातिर तपस्या तू कैलू जाके जंगल में पतई चबैलू जेकरा खातिर तपस्या तू कैलू गौरा पियर गौरा गरवा में सोभे जगरवा देखत लागे डरवाए महेंद्र कमाई है 50 रुपया तन ताली बजा दियो हे लक्ष्मी महारानी 1,00,000 रुपया करा घर में बिहने से तैयारी बन जाए बेटा का आशीर्वाद दियो परिवार में सब लोग निमने रहे बड़ा भाग्यशाली जी होई ओकर रुपया वा मंचो पर आई सबके रुपया हमारे लगना ही आवे ना आ जाई बाबा रे उरो बोलवाली का नाम बा आप हैं किशोर चौहान तन ताली बजाइए बरिया रे हे लक्ष्मी महारानी दूध पुत भरल है घर में बेटा परिवार सब बारी फुलवारी सब उजियार रहे कोनो प्रकार के कमी ना होके तुम्हारा आशीर्वाद है घर में लागू आ जाए रो आ जाए संतोष के माई अपना बेटा का कमाई 60 रुपया बा ताली बजा दी हमारी यार था लक्ष्मी महारानी तुहार दीपक जले जाता और तोहरी दरबार में आके राकेश सिंह 50 रुपया तन ताली बजा दे बरियारे नो के नाम पर भाव बनाई रोरा कथा में सुनी की कथा आज कितना बढ़िया मोटिवेट हम करत नहीं जेकरी घरे आज ले गरीबी बा माई तो से आशीर्वाद हमरा ओर से बा ओकरा घर में रज गज सब भर का ना बा एजु समान न उमेश के अम्मा चली ठीक बा इहो के 40 रुपया ले आई बानी बेटा निरोगे रहे परिवार में मंगल हो खो लक्ष्मी के आशीर्वाद परिवार में लगो अब देखी कथा है जो बढ़ाता ए बाबू लक्ष्मी जी चदल तबाड़ी संग ए बार बार विष्णु भगवान कह ले कि लक्ष्मी जा तड़ू शंकर जी के मड़ई बा बाबू के नाम धरो मालिक के नाम का धो दो पार्वती
पार्वती के नाम तू दहिले बड़ू तो पार्वती के बहन बनावे जातड़ू। लेकिन एक बात सुन ला, हमारा अर्धांगिनी है तुहार लक्ष्मी नाम हो और तोहरिये जर से खजाना रुपया पैसा होला, लेकिन केहू के दरवाजा पर जइह तो सम्मान आदर कके। लेकिन लक्ष्मी जी के एगो चीज बर्दाश्त ना है का, कोनो गरीबे के यहाँ जाए के बा अगर व्यवस्था तनिको डैमेज बा तो दुअरिया पर आके खड़ा होके लौट जाए, कथा में मिले जाता। विष्णु भगवान कहले जा, ए बाबू गई बड़ी हो जू शंकर जी तो कहीं गई रहे, लेकिन पार्वती मैया यह भांग पीसत रहली। केकरा खातिर? शंकर भगवान खातिर भंगिया पीसत रहली। अतौले दुआरे पर आवाज दिली, कहली ए दीदी दीदी दीदी। पार्वती कहली दादा आज ले हमके केहू दीदी कहल ना, हमरा घरे के आ गए, हमरा घरे के आ गए। लक्ष्मी जी कहली अरे हम लक्ष्मी हैं, विष्णु के अर्धांगिनी आयल बनी तोहरा लगे आयल बनी, बोलो कहाँ बाड़ू आव। पार्वती मैया ए बाबू भांग पीसल छोड़ के दौड़ल अली, कहली ये दीदी हमार घर दुआरी है बा, तू बिल्डिंग में रहे वाली हो, आव हमरा घर में चल प्रवेश कर, चल तन जर जलपान कर। ए बाबू घरवा में जब ढूके लगली तब विष्णु भगवान कहले रहे लगी विचार करके चली है, मड़ई के घर है, बिल्डिंग में रहे वाला मड़ई के खदर का बूझी, जे रातों दिन बिल्डिंग में पंखा के तरह रह तक कोनो मड़ई वाला के घर जाए कोई तो तू इतना भर भर आई कहाँ से कहाँ घर ही गएगी। नहीं होला लक्ष्मी जी प्रवेश कर तरी, देखिए जो खतरा होके जाता बचा के तू हेली हारे चौकट दीवा तो दुअरिया पर सभे जरौले वाले की के करे घर में जइया हो दादा। अरे कोचाई रे गई लेना देखा बतिया से पिटिया रा कोचाई